मुजफ्फरनगर की सियासत चरम पर, बीजेपी के खिलाफ ठाकुरों की बगावत, संजीव बालियान जीतेंगे या ठाकुर के सामने हार जाएंगे। मुजफ्फरनगर में सपा बसपा के मजे ही मजे, देखिए मुजफ्फरनगर की इनसाइड स्टोरी। बीजेपी का 400 पार के नारे पर लगातार खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव की गर्मी जबरदस्त देखने को मिल रही है। ऐसा यूपी की 80 लोकसभा सीटों की वजह से है, क्योंकि यह बात तो सभी को मालूम है कि दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने का रास्ता यूपी से निकलता है, और अगर वही की सीटों पर खतरा आ जाए तो क्या किया जाए, ये ऐसे ही नहीं कहा जाता। पहले चरण में होने जा रहे 19 अप्रैल 2024 को मुजफ्फरनगर सीट पर चुनाव, जहां संजीव बालियान 2 बार जीत हासिल कर चुके हैं, और महज कुछ दिन पहले तक माना जा रहा था कि हैट्रिक हो सकती है, लेकिन अब वही ठाकुर की नाराजगी के बाद कुछ ऐसा ही नजर नहीं आ रहा है। अब जीत होती मुश्किल दिख रही है। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर जाटलैंड सीट के रूप में देखी जाती है, यहाँ तक कि वहाँ बराबर संख्या में हिंदू मुस्लिम रहते हैं। पिछली 2 बारी से आसानी से बीजेपी के खाते में जा रही है ये सीट, लेकिन अब की बार चुनौती के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है और इंडिया गठबंधन ने यहाँ से हरेंद्र सिंह मालिक को मौका दिया है। अब आप ये देख लीजिए, संजीव बाल को टारगेट भी बनाया गया है और उनकी ही गाड़ी पर हमला भी हो चुका है। अब ऐसे में ठाकुरों की नाराजगी के बीच संजीव बालियान का फिर से जीतना, मोदी सरकार पर 400 पार होना, कहीं ना कहीं मुश्किलें हटा दिख रहा है। क्या है कुछ आपकी राय, हमें दें।